क्लास स्टार्ट करने से पहले, अब वो फेज आ गया है आपकी तैयारी का जहां पर आपको, जैसे आपको क्या करना है, अपने आप को अब रेगुलर रखना है। अब यहां से आपका बैकलॉग होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों का, यहां से डीपीपी में कम बनना स्टार्ट हो जाता है, यहां से अब टेस्ट अब और दोगे तो मार्क्स कम आने स्टार्ट हो जाते हैं, यहां से आपका कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें, कॉन्फिडेंस लो होना, डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाना, आपका सेल्फ बिलीव घटना, ये स्टार्ट हो जाता है। आने वाले 2 से 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इन 2-3 महीनों में अपना लेवल, अपना स्कोर हाई रख पाए, फिर आप निकल जाओगे उस पार। मतलब होता ये है कि स्टार्ट अच्छा हो जाता है, फिर एक डिप आता है, वो डिप नहीं आने देना आपने। अब वो डिप, मतलब जो कहते हैं ना कि परफॉर्मेंस घटती है, वो क्यों घटती है, क्योंकि डेली वही शेड्यूल है, क्लास देखना है, क्वेश्चंस बनाने हैं, फिर लाइफ में और भी चीजें चल रही हैं, भाई कुछ कर रहा है, सिस्टर कुछ पढ़ रही है, और उसके आसपास घर में कुछ चल रहा है, कोई मैरिज आ जाती है, लोग घूमने जा रहे हैं, फ्रेंड्स कुछ कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके आसपास अब आपको दिखने लगती हैं। क्योंकि 1 महीना पहले जब आपने ड्रॉप किया ना चीजों को, तो आपने ड्रॉप लिया तो उस वक्त क्या होता है, आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में होते हो, इतना फोकस होता है कि बाकी चीजें दिख नहीं रही होती है। अब ये सारी चीजें आपकी आंखों के आगे बहुत ज्यादा दिख रही होती है, खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना मुश्किल होने वाला है, पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहोगे आखिरी तक। अगर जो बच्चा मेरे साथ इस बैच में चल जाएगा, हमारे साथ इस बैच में लास्ट तक चल जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सिलेबस भी लगभग 2 महीने पहले आराम से फिनिश करेंगे, 2 महीने से ज्यादा समय देंगे आपको रिविजन करने का। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? हाँ, कल बीएससी का एग्जाम हो सकता है, आप कुछ और कर रहे हैं उसका हो सकता है, ठीक है, आपके साथ कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, हो सकता है कि आपको घर में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि खाना बनाना पड़ रहा है कुछ गर्ल्स को, ऐसा हो सकता है कि आपको घर के किसी काम में हाथ बटाना पड़ रहा है। पर मैं आज एक बात आपको बोलता हूँ बेटा, हम हमेशा वेट करते हैं कि कंडीशन ठीक होगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, हम हमेशा वेट करते हैं, कंडीशन कभी ठीक नहीं होती है, तुम्हें ठीक बनानी पड़ती है, जो दिया हुआ टाइम है उसी में मेहनत करनी है। ऐसा कभी नहीं आएगा कि एकदम बढ़िया कंडीशन होगी और तुम आराम से मस्ती में पढ़ोगे, ऐसा कभी समय नहीं आएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं लाइफ में बहुत सोचता था, जैसे मैं बताता हूँ, हम लोग कभी मान लो कॉलेज टाइम में रहे होंगे, तो कॉलेज टाइम में सोचते थे यार थोड़ा कंडीशन ठीक होगी ना, जिम विम जाके बॉडी वॉडी बनाएंगे, पर वो समय निकल गया ना, कभी ठीक ही नहीं हुई। तो हमने अपनी प्रायोरिटी लाइफ में फिक्स की हुई है, प्रायोरिटी क्या है, पढ़ा पढ़ा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो प्रायोरिटी में आ गया, तो वो चीजें पीछे रह जाती हैं। तो जब तुम अपनी लाइफ में प्रायोरिटी फिक्स कर दे दोगे ना कि यार मुझे लेक्चर देखना है, मुझे डीपीपी बनानी है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी चीजें पीछे छूट जाएंगी। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कभी अच्छा समय आएगा और वो करोगे, कभी नहीं आएगा वो अच्छा समय, कि अच्छा समय आएगा और तुम पढ़ोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? टेस्ट का सिलेबस बेटा आपके ग्रुप में चला गया, मैं फिर डलवा दूंगा टेलीग्राम पे भी, ठीक है? तो आप सबसे पहले अपनी लाइफ में ये फिक्स कर लो प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी आपका सिलेबस पूरा करना है, लेक्चर देखना है, टेस्ट देना है, डीपीपी सॉल्व करनी, ये लाइफ की प्रायोरिटी है। और मैं इस उम्मीद से बता आपको बार बार बोलता हूं कि आप वो बच्चे हैं जो कर जाएंगे, मेहनत करोगे तो कर ले जाओगे, और हम जानते हैं आप कहने के पीछे बैठ के इस बात को एकदम दिल से लगाओगे कि यार सर ने बोला था कि प्रायोरिटी सिर्फ पढ़ना है, अभी बाकी सारी चीजें, मैं ड्राइविंग सीखूंगा, मतलब जिम जाऊंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे अपने कोई चीजें सीखनी है, कुछ शौक पूरे करने, बाद में 1 साल बाद, ठीक है, जब आप सिलेक्ट हो जाओ तब करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हो सकता है आप उसके बाद भी ना करो, हो सकता है फिर आपकी प्रायोरिटी में वो चीजें सेकेंडरी हो जाए, एक अच्छा डॉक्टर बनना प्रायोरिटी हो जाए, फिर आपको लगे कि यार एमबीबीएस हो गया फिर मैं क्या कर पाऊंगा ये सब काम, नहीं, फिर आपको लगे कि लाइफ में मैं, ये मेरे लिए प्रायोरिटी है कि मैं और बड़ा डॉक्टर बनूं। तो अपनी प्रायोरिटी सही से डिसाइड करो कि लाइफ में तुम्हें क्या चाहिए, तो बन जाएगा। चले आगे,